हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो आज हम लेकर आए सम्राट की पाठशाला से बिग बॉस वर्सेस लपुसा सचिन। भाई साहब, तगड़ी वीडियो होने वाली है। ये कैसा सचिन है? लपुसा यार, लेकिन बोलना नहीं चाहिए ऐसे। सॉरी। जय पत्रकाली। तो क्या हाल है आज? ना तुम्हारे भाई के पास भर भर के माल है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि साला शुरू कहाँ से करूँ। कोई ना, बिग बॉस से ही शुरू करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एलिविश यादव बिग बॉस जीतने के लिए। द विनर अभिषेक इज एलिविश। और अपने अभिषेक भाई को भी बधाई सेकंड आने के लिए। पता है अपना अभिषेक भाई कहाँ हारा? फिर से बड़ा बेवकूफ मैंने शो में नहीं देखा, जेन्युइन मुंह पे बोला। आपके और एल्विश में से एक चॉइस आई कि किसी एक को जीतना है और आपको डिसाइड करना है। अच्छा, फिर मैं रख लूंगा। करेक्ट, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो कभी भी। बट जो भी हो, गेट वेल सून ब्रदर। फ्रेंकली स्पीकिंग ना, मैं बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ। हाँ, पुनी सुपरस्टार होता तो बात अलग थी। बिग बॉस अबे ये बंदा अलग ही लेवल पे खेल रहा था। मतलब ये शो ऐसा है कि बिग बॉस जो है वो बाकी बंदों की लेता है, पर ये बंदा उल्टी बिग बॉस के ही ले रहा था। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर ये बंदा रुक गया होता ना भाई साहब, ये बिग बॉस पे परमानेंट ताला लगवा के आता। मेरे को अपनी सेकंड नंबर की रैंक चाहिए, नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई। क्योंकि अगर तुमने पुनी सुपरस्टार के साथ नाइंसाफी करी ना, तो कोई भी तुम्हारा ओटीटी नहीं देखेगा। एक एक हिंदुस्तान के एक एक कोने तक, एक एक कोने तक मेरी आवाज जाएगी। एक एक इतिहास के पन्नों में मेरे डायलॉग लेके जाएंगे। इसकी अलग ही गेम चल रही थी यार। आपने बहुत बोल दिया दो दिन से, अब हमारी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? मैंने क्या कर्जा ले रखा है तुमसे? मैं क्यों सुनूं? भाई साहब, इसके सपोर्ट में लोग अपनी लुगाई तक से लड़ने के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पुनीत सुपरस्टार के लिए। तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसको लाइक करना पड़ेगा, ठीक है? उसको शेयर करना पड़ेगा। ना मैं देखूंगी, ना फॉलो करूंगी, ना लाइक करूंगी, ना शेयर। ऐसा है, पुनीत सुपरस्टार के बारे में जबान नहीं चला रहेगा। ऐसे हो मेरे चाहने वालों। बट जो भी हो, फिनाले हो चुका है, सब अपने अपने पैसे लेकर घर जा चुके हैं। वैसे पैसे से मुझे सुना है आज का सीमा भौजाई देशभक्त हो गई है। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। अबे यार, इनकी बकैती खत्म ही होने को नहीं आ रही है यार। जब देखो इनकी बकैती के रोज नए नए एपिसोड निकल रहे हैं यार। ये बंदी मेरे समझ से बाहर चल रही है। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखो, जब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। पर ये क्या बकचोदी है? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे मैडम, इतना भी देशभक्त नहीं बनना था? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई इस सीन से है ना, मुझे पुरानी वाली गदर का ये वाला सीन याद आ रहा है। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई नो कि ये सनी देओल नहीं बन सकते थे, लेकिन ये जो बंदा नारे लगवा रहा ना, ये गलत है भाई साहब। भाई जिस तरह हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, तो यार वो लोग भी तो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। और ऐसे मुर्दाबाद के नारे लगवाने से वो इंडियन तो साबित हो नहीं जाएगी। #PKMKB। वैसे यार पाकिस्तानियों के दिन खराब चल रहे हैं। अबे इज्जत नहीं मिल पा रही है यार उन लोगों को। पता है अभी दुबई वालों ने बेइज्जती कर दी। बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। दुबई ने कल यानी 13 और 14 अगस्त की रात पाकिस्तान के नागरिक हजारों की संख्या में बुर्ज खलीफा पहुंचे थे, लेकिन जब मध्य रात्रि हुई तो पाकिस्तान का झंडा वो नहीं वहां पर लाइटों के जरिए दिखाया गया। बताओ, जो दुबई एसआरके का बर्थडे था बुर्ज खलीफा पे लगा देता है। उसने पाकिस्तान का बर्थडे नहीं लगाया यार, भाई बुरा तो लगा होगा यार। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं।
तुम्हारे देश का झंडा तुम्हारे बरादर मुल्क ने ही नहीं लगाया तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? अरे पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगधपुर शरीफ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया, पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुरी शरीफ पे नहीं लगी। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों, जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की गवर्नमेंट कर रही है यही तुम्हारे साथ होना चाहिए। कोई बात ना, तुम दिल छोटा मत करो, तुम इंडिया का झंडा देखो, मुझे पता है खुशी तो नहीं मिलेगी पर तुम देख लो। आजकल देशभक्ति का माहौल चल रहा है, हमारी सीमा भौजाई भी देशभक्त हो गई हैं, पर पता है आपको सीमा भौजाई और सचिन की प्रेम कहानी से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है शांति को, याद है ना? सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आ रहा है ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार। भाई साहब जब से इस आंटी ने सचिन को लप्पू बनाया है ना, देश के सारे सचिन घर के अंदर जाके बैठ रहे हैं। पहले दुनिया सचिन का नाम कुछ इस प्रकार लेती थी, समय बदला और अब कुछ ऐसे लेती है, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, व्हाई आर यू गे, और मीमर सलग खेल रहे हैं। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, गुणा से बोलना वहाँ पे आ गया ना, बोलता वहाँ है ना झिंगुर सा लड़का। इस सचिन में और उन सचिन में जमीन आसमान का अंतर है, इन सचिन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सचिन सबका बाप है। पर ये वाला डायलॉग मार के ना आंटी ने खूब शोहरत बटोर ली, अबे आंटी का लुक चेंज हो गया यार। लप्पू सा सचिन बोलना उस पे आवे ना, बोल वो पाता नहीं है, और बोलने की कोशिश करता है तो सीमा उसका हाथ खींच देती है, कभी उसका मुंह खींच देती है। पॉपुलर होते ही देखो आंटी कैसे बदल गई, अब हर जगह बस इसी बात की चर्चा है कि सचिन लप्पू सा क्यों है। फिर आपने लप्पू सा सचिन बोला क्यों? नॉर्मल की बात है, आदमी तो होना चाहिए, वो कीड़ा सा तो लड़का है झिंगुर सा, जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा। भाई इस आंटी के पति को देखने के बाद ना मुझे सचिन भी स्मार्ट लगने लगा, ऐसा लगा सुन के लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, ये बोला आपकी पत्नी ने? हाँ कहते थी आपसे, अपने अपने समझ है, अपने अपने विचार है। सुनो उदा उदा हुए देखना। अबे भावनाओं में बह के बोल दिया था उन्होंने ये डालो, उन्हें क्या पता था कि ससुरा ये डालो कितना वायरल हो जाएगा। अबे गाने बन गए यार इस डायलॉग पे। ऐसा क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? आज के वक्त इंडिया में दो नाम वाले सबसे ज्यादा बदनाम हो चुके हैं, पहले हमारे सचिन भाई साहब, उनकी गिनती तो अब लप्पूओं में होने लगी, फिर हमारे महेश भाई साहब, महेश दल्ले। इंडिया में मुझे छोड़ के कुछ भी वायरल हो सकता है भाई साहब। अबे वायरल से मुझे याद आया, गदर 2 फिल्म रिलीज हो गई यार। मतलब आज भी लोगों के अंदर गदर फिल्म का इतना क्रेज, अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अबे ट्रैक्टर में भर भर के लोग आ रहे हैं यार मूवी देखने के लिए। मतलब कतई हवा बना रखी है यार, मतलब 3 दिन के अंदर इस मूवी ने 130 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया यार, वो भी तब जब इसके साथ OMG 2 रिलीज हुई है। ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। और शायद तुम एक बात ना जानते हो, अगर सनी लियोनी सनी देओल के साथ शादी करेगी ना तो वो भी सनी देओल बन जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक मारो। अगर बोला उसने कैरी मिनाटी ने, ये बालों का घोंसला सा औरत है, जहाँ मैं चिड़िया अंडा दे जाऊंगी, क्या करता है तू, वो पता नहीं ऐसे कुछ बोलता सारा दिन, तो गेम खेलते रहे हुए, कोई काम धंधा ना ना पोपे ऐसे करके बस वो है गेम खेलने से। हाँ हाँ मतलब वैसे बोल देता। मैं भी यही बोलती सारा, एक बार जब आप देते गेम खेलने में मेरा करियर है। तो गाइस
वीडियो बहुत अच्छी थी, तब तक आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हम भी जा रहे हैं लप्पू से सचिन के पास, उसे थोड़ी बेइज्जती मार के आएंगे। ओके टाटा।